2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी के सांसद होने की भूमिका निभाने की शुरुआत की, उसके बाद काशी की तकदीर बदल गई। काशी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई योजनाओं के चलते कायाकल्प किया, तो अब उसी काशी को निहारने के लिए देश विदेश से मेहमानों का आने का सिलसिला जो है वो लगातार दिखने को मिलता है। इसी कड़ी में अब एक बार फिर अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन वाराणसी पहुंची हैं। वाराणसी गुरुवार की शाम को वो विशेष चार्टर प्लेन से पहुंची, जिसके बाद वाराणसी में वो गंगा आरती में बड़े बजड़े पे नाव पे सवार होकर उन्होंने गंगा आरती को देखा है। गंगा आरती देखकर अभिभूत हुई हैं। उसके बाद काशी के तमाम घाटों का नज़ारा वो नाव के जरिए लिए। हम आपको बता दें कि 3 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंची हुई हैं हिलेरी क्लिंटन। उन्होंने बजड़े पर सवार होकर नमो घाट भी गई हैं। नमो घाट के साथ साथ वो दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध दैनिक गंगा आरती में भी वो सम्मिलित हुई। बजड़े के जरिए वो गंगा आरती का अवलोकन किया। इसके साथ काशी के तमाम जो 80 घाट है उसका उन्होंने अवलोकन किया। हम आपको बता दें कि हिलेरी क्लिंटन सिर्फ काशी के घाटों का ही नज़ारा नहीं ली, बल्कि भगवान बौद्ध की जो तपोस्थली मानी जाती है सारनाथ, उस जगह पे भी वो गई हैं। तमाम जो काशी के पौराणिक स्थल हैं वहाँ पे हिलेरी क्लिंटन जा रही हैं, और उनके साथ जो है उनके आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। हम आपको बता दें कि 3 दिवसीय दौरे पर है। गुरुवार की शाम को वो चार्टर प्लेन से बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुँची हैं, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच वो शहर में दाखिल हुई और सीधे वो घाट गई। घाट क्योंकि काशी के घाट जो है वो विश्व प्रसिद्ध घाट माने जाते हैं। काशी के घाट का नज़ारा लेने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। तो हिलेरी क्लिंटन भी बड़े बजड़े यानी कि बड़े नाव पे सवार हुई और उसके बाद काशी के घाटों का नज़ारा लिया। इसके हम आपको बता दें उस जिस समय वो वाराणसी के दौरे पर थी उसके उनके दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे, ताकि किसी भी तरीके का कोई खतरा न पैदा हो। काशी की एक कहा जाता है कि काशी में अतिथि देवो भव के तर्ज पर काशी में मेहमानों का स्वागत किया जाता है, तो विदेशी मेहमान के स्वागत के लिए भी काशी पूरी तरीके से तैयार था। उनके लिए तमाम तैयारियां की गई थी। उनके आगमन को देखते हुए हिलेरी क्लिंटन ने भी काशी आगमन से पहले एक ट्वीट किया, और उन्होंने अपने ट्वीट करते हुए लिखा कि पिछले कुछ दिनों से मैं भारत में हूँ। यहाँ महिलाओं के लिए काम करने वाले एनजीओ की 50वीं वर्षगांठ मनाने और मेरी दोस्त ईला भट्ट की विरासत को देखने के लिए पहुँची हूँ। हम आपको बता दें कि ईला भट्ट पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, जिनका निधन हुआ था 22 नवंबर 2022 को। अब उन्हीं को यादों को देखने के लिए और पहुंची हुई थी हिलेरी क्लिंटन। और अभी हिलेरी क्लिंटन की बात करें तो वो वाराणसी के तमाम अलग अलग इलाकों में जाके काशी की जो एक भव्यता है, जो काशी के घाटों की भव्यता है, काशी के सारनाथ की अगर बात करें तो सारनाथ में जो भगवान बौद्ध की तपोस्थली है उसका अवलोकन करते हुए दिखाई दे रही हैं।